नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का DA जो है 5% बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट बैठक में DA को 5% बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि दोस्तों सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तोहफा है हम सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मोदी सरकार की ओर से सौगात दी गई है। कर्मचारियों का DA 5% बढ़ाकर 12% से 17% करने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट बैठक में आज मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफे का ऐलान किया। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी लोगों की बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 12% से बढ़कर 17% हो गया है और इसका लाभ जो है जुलाई 2019 से सभी लोगों का मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि जुलाई से लेकर अब तक जो 3 महीने हमारे बीत गए उनका एरियर भी इसके साथ में आएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि ये एरियर जो है अक्टूबर की पेमेंट में ही। केंद्रीय मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में सौगात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। दिवाली के त्यौहार पर हमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इससे लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और उसका असर भी नज़र आ रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार एक बार में ही 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों यही निकलता है कि ना तो पिछली सरकार में BJP ने 5% महंगाई भत्ता एक बार बढ़ाया और ना ही इस सरकार में, ये पहली बार है जब BJP की सरकार ने 5% महंगाई भत्ता एक ही बार में बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है एकदम सटीक और पक्की जानकारी है, 100% सच्ची है। इस जानकारी में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने DA के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।